जनाब स्पीकर, कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर। जो ही हुकूमत बनी, इनकी पीडीएम आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे नीव इट पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते, ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं, और मिनिमम वसूलों में ये कि एक वक्त में भगवत सत्ता कल मायूसी जरूर हुई है कि ये तो हम मानते भी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, चाली है, चाली है। लेकिन फिर भी आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मौरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईमान का प्राइड, प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है, प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, ही कुडंट गेट मोस्ट ऑफ द वोट, बट ही वॉज द कैंडिडेट विद मोस्ट क्रेडिबिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकंड को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ए होदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? हम तो चाहते ही ये डिप्टी स्पीकर, मैं यही पॉइंट आउट कर रहा था, हमें तो दर्श देते हैं अपने गिरेबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके पीडीएम वन जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेप का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडम करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है, दे वर टू बिग टू रिक, इसलिए नहीं छोड़ सके थे, ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजरों को रोका, सिकंडरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया, इनको एक लफ्ज का एक लफ्ज उस वक्त ये बोले? इन्हीं सरकमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मफादात के टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मौरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईमान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है, प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, ही कुडंट गेट मोस्ट ऑफ द वोट, बट ही वॉज द कैंडिडेट विद मोस्ट क्रेडिबिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकंड को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ए होदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है
कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तसव्वुर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, आवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योराना, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी एंड टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन बांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर, जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे, हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयसर नहीं है। ये इन लोगों की चार दिहाइयों की कसम रहा है जो आवाम को दिया है। इसलिए आवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएमयू वाले वो साथ बैठे थे, मुझे हमेशा से दो पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी, एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा हिमकेविम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मरतबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में लिए। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा, क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाबी स्पीकर, अगर आगे चलना है, जनाबी स्पीकर कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर, जो ही हुकूमत बनी इनकी पीडीएम आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू इट पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं, और मिनिमम वसूलों में ये कि एक वक्त में भगवत सतात कल मायूसी जरूर हुई है कि ये तो हम मानते भी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी